डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जिस प्लांट को शेयर करने वाले हैं वो हमारा मॉस रोज का प्लांट है। और अभी देखिए बहुत सुबह है और ये कली ये हुंचा बन चुका है और बन चुकी है और अब ये फूल बनने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में ये इसका फूल बन जाएगा, फूल खिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मॉस रोज के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इनको ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये देखिए अभी तक इसमें मेरे प्लांट में कलियां बन रही हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। वो बातें क्या हैं? और अभी देखिए ये सारी जो बर्ड्स आके फूल खिल के ख़त्म हो चुके हैं, तो अब फ्रेंड्स इन पे अब कलियां नहीं बनेंगी। ये जो एरिया होता है इस पे अब कलियां नहीं बनेंगी, इसकी जो है टिप पे ही फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, मॉस रोज को पार्टुलेका और कैनोक्लॉक ऑफिस टाइम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसके लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है और पॉट जो है वो भी पॉट में भी होल अच्छी तरह से होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको बॉटल से बनाया है और इसके साइड साइड में भी होल करके इसमें मॉस रोज की स्टिक्स लगा दी थी, जिसमें कि कितनी अच्छी देखिए फ्लावरिंग हो रही है और अभी भी कितनी ज़्यादा बर्ड्स आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, तो इसी चीज़ को शेयर करने के लिए आपके साथ ये वीडियो बनाई है। इसको फुल डे की फ्रेंड्स सनलाइट चाहिए होती है और अगर आप 15 दिन में भी एक बार इसको कोई फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से चलेगा। देखिए ये भी कबाड़ से जुगाड़ ही था मेरा और अब ये एक मग था, टूट गया था, इसके अंदर मैंने इस तरह से होल कर लिया है और इस होल पे मैं एक टूटे हुए गमले का टुकड़ा रख दूंगी। गार्डन में देखिए इस तरह के पीसेस निकल ही आते हैं, तो आप इसको इसके होल पे इस तरह से रख दीजिए। रखने के बाद फिर मैं इसके अंदर फ्रेंड्स मिट्टी डालूंगी थोड़ी सी, इस तरह से ये हमने मिट्टी डाल दी है फ्रेंड्स। और मिट्टी को खूब अच्छी तरह से आप धूप दिखा लिया करें, उसी के बाद ही इसका इस्तेमाल किया करें। अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैं एग शेल डालूंगी, जिसको कि मैंने मैश कर लिया था अच्छी तरह से, अब वो इस तरह से हो गया है। अब इसके ऊपर फिर हम एक लेयर मिट्टी की डालेंगे। अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती अगर सूखी हुई हो तो अच्छी खासी इतनी चाय की पत्ती डाल दीजिए, क्योंकि हम नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं इसलिए इसको ज़्यादा चाय की पत्ती की ज़रूरत है। और एक्शेल में फ्रेंड्स कैल्शियम पाया जाता है, जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही के प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है। और चाय की पत्ती के अंदर फ्रेंड्स नाइट्रोजन होती है हैवी क्वांटिटी में। अब इसके ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे, तो जिससे कि हमारी चाय की पत्ती से हमारी मिट्टी पोरस भी बनी रहती है। तो इस तरह से हमने ये फिल कर लिया है अपने पॉट को। तो जो भी मिट्टी इस तरह से पीसेस हो जाते हैं जमा, उनको इस तरह से आप हाथों से फोड़ लीजिए। ये देखिए ये हमारा पॉट तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये करना है कि ये जितने भी ये पार्ट्स इस तरह के हैं इनको हम इस तरह से प्रून कर देंगे। इनको प्रून करने के बाद फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ब्रांचेस को इस तरह से आगे से प्रून कर लिया है, क्योंकि उन हिस्सों पर फिर कलियाँ नहीं बनेंगी। अब इसके बाद हम इसमें से इस तरह से इतनी ब्रांचेस को कट करके ले लेंगे इसमें से, ताकि इसकी इस वाले पॉट की भी ब्रांचेस छोटी हो जाएं और उन पर भी नई कलियां बन सकेंगी और हमारे लिए एक
नया प्लांटर भी तैयार हो सकेगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा नीचे तक जा रही हैं ब्रांचेस। तो मैं आपके साथ अभी मिलती हूँ इनको लेके, इन ब्रांचेस को लेने के बाद। तो फ्रेंड्स, हमने इतनी सारी ब्रांचेस इसमें से ले ली हैं, और अब फ्रेंड्स इसका इसको ये करना है कि इसके नीचे की थोड़ी सी आप लीव्स को हटा देंगे, है ना, इस तरह से। और इसको जो नीचे का पोर्शन है वो ही मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। अगर आप उल्टा कर देंगे तो इसके अंदर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा शैलो पॉट में भी लग जाता है। मैं नीचे की लीव्स हटा के आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने नीचे की सारी लीव्स इस तरह से हटा ली हैं। अब इस वजह से हटाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो नोड एरियाज होते हैं फ्रेंड्स, उनका मिट्टी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से इसको अंदर प्रेस कर देंगे अपने सारे इन कटिंग्स को। तो फ्रेंड्स, हमारा एक नया प्लांटर तैयार हो चुका है। इसको हम शेडी एरिया में रख देंगे, कल इसको फिर धूप में ले आएंगे। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।